अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ओवरलैंड पाकिस्तान। 1996 में टोयोटा का पहला ऑफिशियल लाइट ड्यूटी लग्जरी की तरफ एक शिफ्ट देखने को मिलता है, जो कि टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो 90 सीरीज़ है। तो ये गाड़ी लॉन्च हुई है 1996 में। जो इंजन ऑप्शन थे इसमें वो था 3RZFE, 5VZFE, 3L, 5L, 1KZTE और 1KZFTV। तो 90 सीरीज़ प्राडो जो है, तो ये बेसिकली 70 सीरीज, पहले पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि टोयोटा ने एक लाइट ड्यूटी वर्जन उसकी इंट्रोड्यूस की है, जो ऑल फोर कॉयल स्प्रिंग्स, हाई लेक्स ड्राइव ट्रेन उसकी थी और ओवरऑल लाइट वर्जन ऑफ द लैंड क्रूजर। तो जो 90 सीरीज उसके बाद आई है, तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज आप इसमें देखने को आपको मिलेंगे। 70 सीरीज प्राडो कितनी रोबस्ट और रगेड थी, और 90 सीरीज सॉफ्टर साइड, सॉफ्टर लाइटर टच उसको मिली हुई थी। इसकी बॉडी जो है थोड़ी सी उन्होंने लेंथन की थी, 70 से थोड़ी सी लंबी थी, और जो फ्रंट सस्पेंशन थी, इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन। अच्छा, लैंड क्रूजर 100 सीरीज से पहले प्राडो को IFS मिली थी। तो ये प्राडो वाली जो IFS थी, तो ये हाइलक्स, सर्फ, टकोमा के साथ ये शेयर करती थी, और पीछे जो इसका था फोर लिंक सॉलिड एक्सल सस्पेंशन थी। जो आगे डबल विशबोन सस्पेंशन इसकी है, तो उसमें कम्फर्ट कंट्रोल और कम्फर्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन एक मेन बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो लोअर बॉल ज्वाइंट है इसका, नीचे उस पर विशबोन के पास होता है, तो दैट इज़ प्रोन टू फेलियर। तो वो किसी भी ट्रिप से पहले मैं रिकमेंड करूँगा, बल्कि जो भी आप इस गाड़ी के ओनर से बात करेंगे वो भी आपको रिकमेंड करेंगे कि उस पर आप चेक करें, ग्रीस तो उसमें लीक नहीं है, बॉल ज्वाइंट ज़रा वॉर्न तो नज़र नहीं आ रहा आपको, इसलिए कि अगर ये कहीं ट्रिप पे किसी एडवेंचर पे आप पे फेल हो गया, तो आपका जो टायर है फ्रंट वो बिल्कुल मतलब निकल सकता है, आपकी गाड़ी पलट भी सकती है उस पर, और सिग्निफिकेंट डैमेज यू माइट हैव टू फेस अगर आप इसको निगलेक्ट करें। तो IFS प्रॉब्लम्स असाइड, जो प्राडो 90 सीरीज आई थी, तो इसमें दो वेरियंट्स थे, एक 3-door और एक 5-door। 3-door जो है उनको जो टैग लाइन था वो R से शुरू होता था, जैसे RZ, RX, और जो 5-door थी वो T से शुरू होती थी, जैसे कि TZ हो गई, TX हो गई। और इसमें जो 70 सीरीज से डिफरेंट फीचर कम्फर्ट्स ऐड हुए थे वो ये है कि ड्यूल AC जो बहुत ज़्यादा काम आता है, और बहुत ज़्यादा पिछले पैसेंजर्स के लिए फील्स लाइक हेवन के दोनों साइडों पे, एंड थर्ड रो तक आपको ठंडी हवा इसमें मिलेगी। और दूसरा जो है फुल टाइम 4x4, इसमें सब थ्रू आउट द बोर्ड, अक्रॉस द बोर्ड इसमें ऑप्शन है, और ABS भी। और जो लैंड क्रूजर कोलोराडो आपने नाम सुना होगा, जो UK में वेरियंट्स रिलीज हुए थे, तो उधर इसने 4Runner को रिप्लेस कर दिया था। तो लैंड क्रूजर इसको कह नहीं सकते थे ये लोग, इसलिए कि हैवी ड्यूटी वेरिएंट भी वहाँ पे था। तो हैवी ड्यूटी वेरिएंट को लैंड क्रूजर अमेज़न जब इन्होंने वो किया है, नाम दिया था, तो इसको इन्होंने लैंड क्रूजर कोलोराडो कर लिया था, ताकि कन्फ्यूजन ना हो और क्लियर एक डिस्टिंग्विश्ड इसकी ID हो इन गाड़ियों की। और दूसरा जो इस गाड़ी में इसके बाद जो चेंज आया था वो था 1999 में, जो नए लॉज इंट्रोड्यूस हुए थे उसके मुताबिक फॉग लैम्प्स एक हिसाब से कह रहे थे कंपल्सरी होने चाहिए गाड़ी में, तो वो उसमें ऐड किए थे, और इमोबिलाइजर उसमें डाला था। तो मतलब थ्रू आउट 90 सीरीज में इतने कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आए, बिल्कुल बेसिक छोटे मोटे चेंजेस आप कह सकते हैं। और जो इंजन्स की डिफरेंट बात की है, तो उसमें जो 3L और 5L आते हैं, तो वो बिल्कुल जो बेस वेरियंट्स हैं इसकी GX, उनमें साइड ट्रिम नहीं होती, मैनुअल ट्रांसमिशन होती है, मैनुअल शीशे होते हैं अंदर, और मैनुअल 4x4 होता है, पार्ट टाइम 4-wheel ड्राइव उसमें आप कह सकते हैं उसे, तो वो बिल्कुल बेस मॉडल गाड़ी होगी, उसमें ड्यूल AC भी नहीं होगा, फीचर कंफर्ट्स नहीं होंगे। तो उसमें जो सिंपल नॉन टर्बो डीजल आते हैं 3L और 5L, तो वो टोयोटा ने उसमें फीचर की थी, बाकी जो ऑप्शंस हैं पेट्रोल वाले और डीजल वाले वो फुल ऑप्शन जो गाड़ियां हैं उनमें फीचर किए गए थे। फिर 2000 में 1KDFTV टोयोटा का पहला कॉमन रेल टर्बो डीजल इंजन इंट्रोड्यूस हुआ था, 3000 CC। तो कॉमन रेल इंजन जो है इसकी जो अर्ली मॉडल से 2000 से 2002 तक चले हैं, तो इनमें सिर्फ एक कॉमन इशू था कि इंजेक्टर्स ज़रा जल्दी काम निकालते थे। कॉमन रेल इंजन का ये इशू है कि उसमें अगर आप इंजेक्टर्स में थोड़ा सा भी कचरा चला जाए, पाकिस्तान का डीजल तो माशाल्लाह से है भी काफ़ी साफ, तो वो जब इंजेक्टर्स में कचरा जाए तो वो परफॉर्मेंस आपको सही नहीं देता, नॉकिंग शुरू कर देता है, फ्यूल अक्सर इरेगुलर पैटर्न में जाता है अंदर, इससे ये होता है कि इससे आपके पिस्टन जो है वो लिटरली मेल्ट होते हैं, क्रैक भी हो सकते हैं, ऐसे आपका इंजन रीबिल्ड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आपको लेके जाता है। तो इसलिए जो कॉमन रेल इंजन जो लोग रखते हैं, तो उनको यही रिकमेंडेड है कि आप हाफ टैंक से नीचे आने को ना दें उसे, इसलिए कि टैंकी में नीचे कचरा होता है, तो आपकी अगर
फ्यूल कम हो तो वो कचरा फ्यूल के साथ उठ के जाता है पंप के थ्रू फिर इंजेक्टर्स में, तो आपके इंजेक्टर्स जो है वो सत्यानाश कर देता है। इसके अलावा एक काफ़ी यूनिक फैक्ट है 90 सीरीज़ का, जो कि मेजॉरिटी लोगों को अनश्योर नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, मुझे अभी रिसर्च के दौरान पता लगा कि 1999 से लेकर 2009 तक कोलंबिया में 90 सीरीज़ की प्रोडक्शन चली है, लेकिन सिर्फ पेट्रोल वेरियंट्स, 3-डोर जो है वो 3RZ, 5-डोर जो है वो 5VZ, और ऑटोमेटिक 4-स्पीड और मैनुअल 5-स्पीड ट्रांसमिशन दोनों साथ वो थी ऑप्शनल। और इसके अलावा 2005 से लेकर 9 तक उन्होंने 5-डोर प्राडो के आर्मर्ड वर्जन भी ऑफर की थी। यहाँ पे पर्सनली मैंने बुलेट प्रूफ प्राडो कभी देखी नहीं है, लेकिन इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि ये भी बनी थी एक टाइम पे और काफ़ी लेट, मतलब 2002 में प्रोडक्शन ऑफिशियली ख़त्म हो गई थी, लेकिन 2009 तक कोलंबिया में प्रोडक्शन में रही थी ये गाड़ी। सो दिस वॉज ऑल फॉर द 90 सीरीज प्राडो। देर वॉज नॉट मच टू डिस्कस इन दिस बिकॉज ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कार, कोई इतने फीचर्स नहीं थे, कोई इतनी ज़्यादा अपडेट्स बीच में नहीं आए। तो नेक्स्ट वीडियो जो है 120 सीरीज प्राडो है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। उसके बाद फिर देखते हैं कि हाइलक्स पे शिफ्ट हो, सर्फ पे हो, या फिर किसी दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो जाए। तो डू टेल अस इन द कमेंट्स वेयर वी शुड गो नेक्स्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ओवरलैंड पाकिस्तान। गुड बाय।